तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं इनफिनिक्स नोट 30 का रिव्यू करने जा रहा हूं, जो मेरे पास ऑरेंज कलर में मौजूद है। आप देख सकते हैं क्लीन कंडीशन में है। और इसका मतलब रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो ये 22 मई 2023 को रिलीज़ हुआ था। और बहुत ही खूबसूरत शेप में बनाया गया फ़ोन है, स्लिम फ़ोन है। रैम की बात की जाए तो 8 GB रैम है फ़ोन में, और 64 MP कैमरा हमें इसमें मिलता है। ये देख सकते हैं 64 MP कैमरा है, और लेंस बहुत बड़े इसमें बनाए गए हैं। 8 GB रैम है और 256 GB रोम है, 256 GB स्टोरेज है, 256 फ़ोन है। बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh बैटरी है विथ 45 वाट। ये देख सकते हैं नीचे हमें स्पीकर मिलता है, टाइप सी चार्जिंग बेस मिलता है, और हैंड फ्री मोड मिलता है। ये देख सकते हैं उधर से साइड में हमें सिम जैकेट एरिया मिलता है। ये देख सकते हैं हम यहाँ से सिम इंस्टॉल कर सकते हैं। और अपर साइड में भी आप देख सकते हैं कि स्पीकर्स वगैरह के ऑप्शन यहाँ भी मौजूद है। तो फ़ोन काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में है और फास्टेस्ट फ़ोन है, क्योंकि 8256 फ़ोन है। बॉडी की बात की जाए तो 168 डायमेंशन है, और अगर हम वेट की बात की करें तो वेट इसका 219 ग्राम वेट है। ग्लास और लेदर बैक है इसका, तो बहुत खूबसूरत फ़ोन है। डुअल सिम फ़ोन है, नैनो सिम एंड डुअल स्टैंड बाई सिम इसमें लगता है। डिस्प्ले की तरफ आते हैं, डिस्प्ले की बात की जाए तो IPS LCD है, जो कि 120 हर्ट्ज़ है, 580 nits पिक है। स्क्रीन साइज़, डिस्प्ले साइज़ की बात की जाए तो 6.78 inches डिस्प्ले है, जो कि 109.2 cm² है, और 84.5 स्क्रीन टू बॉडी रेटियो है। रेजोल्यूशन की बात की जाए तो हाई रेजोल्यूशन इसमें हमें मिलता है। रेजोल्यूशन जो है 180x2460 पिक्सल रेजोल्यूशन इसमें मिलता है, जो कि हाईएस्ट रेजोल्यूशन है। 396 PPI डेंसिटी है। तो ये आपने देख लिया, हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है फ़ोन की। आप इसमें कार्ड स्लॉट भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो XD कार्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल मेमोरी 256 तक इसमें मिलती है, लेकिन अगर आपका इस पर गुजारा नहीं होता तो आप इसमें एक्सट्रीमली हाई लेवल की मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत खूबसूरत फ़ोन है, हाई रेजोल्यूशन फ़ोन है, विथ हाई रैम विथ हाई रोम फ़ोन है। तो लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है। टेक्नोलॉजी, नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आप इस पर LTE यूज़ कर सकते हैं। फास्टेस्ट फ़ोन है, स्मूथ फ़ोन है, और काफ़ी अच्छा फ़ोन है। प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो OS Android 13 है। चिपसीट की बात की जाए तो MediaTek Helio G99 है। CPU की बात की जाए तो Octa-Core 2X 2.2 है, और Cortex A76X 2.0 के कहा Cortex A55 CPU सेंटर प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं फ़ोन की तरफ, अभी आपको फिज़िकली शो कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स नोट 30 फ़ोन है, डिवाइस नेम है। ये देख सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 30, और काफ़ी बेस्ट फ़ोन है। मॉडल भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स मॉडल है, एंड्रॉयड 13 है। ये देख सकते हैं CPU Helio G99 CPU इसमें लगी हुई है। फ्रंट कैमरा जो है 16 MP है, और रियर कैमरा जो है, बैक कैमरा, वो 64 MP ट्रिपल कैमरा है। रैम की बात की जाए देख सकते हैं 8 GB रैम है, प्लस 5 GB रैम, प्लस 8 GB एक्सटेंडेबल, ये देख सकते हैं। और रोम भी देख सकते हैं कि 256 GB रोम है, 5000 mAh बैटरी, जो कि हाई बैटरी है, और 1080x2460 रेजोल्यूशन है। और ग्राफिक्स यूनिट की बात की जाए, मतलब GPU की, तो माली G57 MC2 ग्राफिक्स कार्ड इस पर लगा हुआ है। आप इस पर हाई लेवल गेमिंग भी खेल सकते हैं, मतलब हाई रेजोल्यूशन के साथ, पबजी हो गया, दूसरे हो गए। ये देख सकते हैं नैनो सेकंड में ही वाईफाई कीजता है, काफ़ी फास्ट, और वाईफाई रिसीवर इसमें लगा हुआ है, तो काफ़ी फास्ट वाईफाई भी आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ब्लूटूथ वगैरह सब सिस्टम यहाँ मौजूद है। देख सकते हैं आप सेटिंग्स में कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मूड मिलते हैं। अभी आपको सिक्योरिटी की तरफ लेके आ गया हूँ। देख सकते हैं फिंगरप्रिंट आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसका फिंगरप्रिंट कैसा है, कितना फास्ट है। तो फर्स्ट ऑफ आप पैटर्न देना पड़ेगा, वो अभी आपके सामने दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न, ये तो गलत हो गया है, तो पैटर्न अभी मैंने दे दिया है, दोबारा दे रहा हूँ। तो अभी आपको शो करने जा रहा हूँ कि इसका फिंगर सेंसर कितना फास्ट है, और कितना मतलब स्मूथ फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं एरा फिंगर, तो इसका जो फिंगरप्रिंट है, ये साइड फिंगरप्रिंट बटन में, तो मुख्तलिफ जितनी भी इन्फिनिक्स की मॉडल है सब में हमें साइड फिंगरप्रिंट मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन्स में, मॉडल्स में। ये देख सकते हैं फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, आधा तो लगी गया, थोड़ा सा रहता है, रीड कर रहा है अभी फिंगर को। ये देख सकते हैं
विद इन 6 to 7 सेकेंड में आपका फिंगर लग जाता है इस फ़ोन पे। तो ये लग गया, अभी आपको शो करने जा रहा हूँ कि इसका सेंसर कितना फास्ट है। ये देख सकते हैं, गौर से आप देख सकते हैं कि जस्ट लाइट सा टच और ओपन, काफ़ी ज़्यादा फास्ट सेंसर रीड करता है फिंगरप्रिंट। तो ये दोबारा आप देख सकते हैं, जस्ट लाइट सा टच करने पे सेंसर रीड कर लेता है। तो काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट है फ़ोन का, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो ये फिंगरप्रिंट भी आपने देख लिया कि फ़ास्ट फिंगरप्रिंट है, विद 8 GB रैम और 256 GB रोम है इसमें लगा हुआ है। तो ये आपने देख लिया सारे सेटिंग्स वगैरह, 5000 mAh बैटरी इसमें मिलती है और स्टोरेज भी आप देख सकते हैं कि 256 GB स्टोरेज इसमें हमें मिलती है। तो काफ़ी फास्ट फ़ोन है और विद लेदर बैक, लेदर बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। तो ये आपने मतलब सेटिंग वगैरह भी देख ली, स्पेसिफिकेशन भी देख लिया, स्मूथनेस भी देख ली है। तो अभी आते हैं मेन चीज़ कैमरे की तरफ, अभी आपको कैमरे की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये इसका 64 MP कैमरा है, तो लेट्स सी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं मेन कैमरे की तरफ हम आ गए हैं, 64 MP कैमरा है जो कि f1.7 वाइड 1.2 है जो कि PDF है, और सेकंड कैमरा जो है वो 2 MP है जो कि f2.4 डीप है। तो ये आप देख सकते हैं 64 MP का रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत कैमरा है। ये मैंने 1x पे लेके आ गया हूँ, 1x, अब आते हैं 2x और एक्स्ट्रा जूम तक। ये देख सकते हैं इसका 6 जूम और ये मैं 7x तक चला गया हूँ। मतलब कैमरा वाइज काफ़ी बेस्ट फ़ोन है ये। तो अभी मतलब सही आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप सामने से देखें तो काफ़ी बेस्ट शो करता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का कैमरा इसमें लगा हुआ है, 64 MP कैमरा है। ये देख सकते हैं मैं अब जूम कर रहा हूँ इसका फुल जूम, 10x तक इसमें मैक्सिमम जूम मिलता है। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रही है। ये रात का टाइम है लेकिन फिर भी आप इसका मतलब रिजोल्यूशन मोड देख सकते हैं कि मतलब स्क्रीन वाइज भी काफ़ी बेस्ट है और कैमरा वाइज भी काफ़ी बेस्ट है। 10x में काफ़ी अच्छा जूम हमें दे रहा है, क्वालिटी ख़राब नहीं हो रही, बेस्ट जूम आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, दोबारा से आप देख लें कि काफ़ी बेस्ट जूम है, 64 MP कैमरा है ये। अभी मैं पोर्ट्रेट मोड की तरफ अभी आपको लेके जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये अभी पोर्ट्रेट मोड की तरफ आ गया हूँ। बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं और फोकस भी देख सकते हैं, जस्ट लाइक अ DSLR, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का जूम है। ये देख सकते हैं f4.0, आप इसमें अपनी मर्ज़ी का पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट फ़ोन है कैमरा वाइज, गेमिंग वाइज और लुक वाइज काफ़ी बेस्ट फ़ोन है। तो ये आपने देख लिया, अब आते हैं सेल्फ़ी कैमरे की तरफ। सेल्फ़ी कैमरा जो इसका है ये 16 MP है जो कि 2.0 वाइड है, और अगर फीचर की बात की जाए तो हमें इसमें LED फ्लश HDR फ्रंट कैमरे में मिलता है। ये देख सकते हैं 16 MP का रिज़ल्ट जो कि ब्यूटी मोड मैंने अभी ऑन किया है, और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए सेल्फ़ी पे तो आप 1080 पिक्सल 230 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, वो भी सेल्फ़ी पे। बैक पे आप 1440 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विद क्वाड LED फ्लश बैक साइड मिलता है। तो ये इसका पोर्ट्रेट मोड है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट सेल्फ़ी कैमरा है इसका, बैक कैमरा भी काफ़ी बेस्ट है। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।